एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। आज मैं उन दोनों का एक्टिव पैसिव थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सा देखिएगा, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन क्लास www.shyamsharmaclasses पे जाके इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आप ले सकते हैं 7 महीने तक का, जो 7 महीने तक हर दिन अनलिमिटेड वॉच कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को, जितना बार चाहें उतनी बार। ये 7 महीने का जो कोर्स है, इसमें 150 से ज़्यादा वीडियोज मिलते हैं, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है, हर एक एग्जाम्स के पैटर्न्स को ख्याल में रखते हुए। इसमें यूपीएससी, जुडिशियरी, सीपीओ, एसएससी, बैंक पीओ सब का ध्यान में रखते हुए ग्रामर, वोकैब्स उस तरह से बताया गया है। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव बता रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक्टिव बोलूंगा और आपको पैसिव बनाना है। जैसे अगर मैं कहूं अच्छा, और आपको कोई भी कॉन्टेक्ट करना है तो 9599614791 पे कॉन्टेक्ट करें, और बुक्स के लिए फ्लिपकार्ट पे या www.shyamsharmaclasses पे जाके आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन तो www.shyamsharmaclasses पे ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए 9599614791 पे कॉन्टेक्ट करें। अगर मैं यहाँ लिखूं हैविंग टाइप द लेटर आई पोस्टेड इट, Having typed the letter, I posted it. यानी इसका मतलब हुआ कि टाइप लेटर टाइप करने के बाद मैंने इसे पोस्ट कर दिया। ये मेन वर्ब हो गया। ये पास्ट में है तो इसका भी समय पास्ट में चला जाएगा। ये प्रेजेंट में होता पोस्ट तो ये भी प्रेजेंट में होता है, ये फ्यूचर में होता तो ये फ्यूचर में, क्योंकि ये है हमारा फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब जो होता है उसका टेंस होता है, नॉन फाइनाइट का नहीं होता है। और ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव है इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इसके पहले ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल बोलते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है। इसका सब्जेक्ट चाहे इसके पहले वाला नाउन होगा या इसके जस्ट आगे वाला नाउन होगा। तो कौन लेटर टाइप किया है, मैंने टाइप किया है, तो मैंने किया है तो इस फ्रेज का, ये पार्टिसिपल फ्रेज का भी सब्जेक्ट मैं ही हो गया, यानी मैंने टाइप किया है। क्या टाइप किया है, लेटर टाइप किया है। तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये एक्टिव में है, एक्टिव में स्ट्रक्चर रखा गया है। अब अगर इसको हमें पैसिव बनाना होता तो कैसे बनाते, आप लोग भी ट्राई करिए, अगर इसका पैसिव बनाना होता तो कैसे बनाते। हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, क्या टाइप किया गया था, लेटर, तो इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ, तो यहां पे लेटर लिखिए, लेटर हैविंग बीन टाइप्ड, लेटर हैविंग बीन टाइप्ड, ये हो गया हमारा पैसिव इस क्लाउज का, लेटर हैविंग बीन टाइप्ड। अभी लेटर जो है इस वर्ब का क्या है, टाइप करने का काम लेटर तो नहीं कर सकता, तो लेटर जो है ये हमारा नॉन डूअर हो गया। तो द लेटर हैविंग बीन टाइप आई पोस्टेड इट, ये हमारा सही है। या इस वाक्य को हम ऐसे ही बना सकते हैं कि हैविंग बीन टाइप्ड द लेटर वॉज पोस्टेड बाई मी, ये दोनों सही है। तो हैविंग बीन टाइप्ड, ये जो हमने पैसिव में रखा है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो था वो लेटर था, और लेटर जो है ये हमारा नॉन डूअर है, तो यहां पे हम इसको पहले भी रख सकते हैं, इसको बाद में भी रख सकते हैं। अगर ये नॉन डूअर है तो ये पैसिव में स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ये पैसिव है, ये बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, और आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इसको एक्टिव से पैसिव बनाने का।
और याद रखें नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं इसका अपना सब्जेक्ट और अपना टेंस नहीं होता है, ये फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब के टाइम और टेंस से प्रभावित होता है। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं हैविंग अरेस्टेड द थीव्स द पुलिस सेंड देम टू जेल, तो जरा इन दोनों का पैसिव बनाइए, इनका पैसिव बनाइए, पहले एक्टिव में है, क्या ये सही है? तो हमने यहां पे एक्टिव में स्ट्रक्चर रखा है, हैविंग टाइप्ड, हैविंग अरेस्टेड, हैविंग प्लस वी थ्री, ये हमारा एक्टिव है। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन अरेस्ट किया है और किसे अरेस्ट किया है, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो इसे माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो पुलिस क्या अरेस्ट कर सकता है, यस, तो ये डूअर है, ये एक्टिव में है, सही है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करना होगा, किसको अरेस्ट किया गया, चोरों को, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रखना होगा, क्या हो जाएगा, द थीव्स हैविंग बीन अरेस्टेड, द पुलिस सेंट, अब ये पुलिस जो है ना इस वर्ब का सब्जेक्ट है, सेंट देम टू जेल। दूसरा तरीका, हैविंग बीन अरेस्टेड द थीव्स वर सेंट टू जेल, राइट, इसका ये भी पैसिव सही है और ये भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों बनाने का ध्यान रखिएगा, अगले दिन मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव को एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, और आप अपना लगातार अपना काम को जारी रखेंगे और ख्याल रखेंगे और अपनी क्वेरीज को लिखते रहिए, मेरे को टाइम जैसे जैसे मिलेगा मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा, आप सवाल पूछना बंद मत करिएगा, क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, आपके सवाल बहुत सारे बच्चों के सवालों को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक केयर।